हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम और स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल में। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मकर संक्रांति। भाई 11:20 हो गई है पर अभी कुछ खास जमा नहीं है यहाँ पे आसमान में। ये तो पहले बहुत पतंग चकती थी, अभी कोई जमा है। थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम जाएगा वैसे चमकेगा ऐसा लग रहा है मुझे। हेलो गाइस, प्रथम अभी ढाबे पे आ गया है, ये देख लीजिए। ये तीसरा पतंग चक रहा हूँ, पहले दो तो कट गए, काटे हैं पहले भी, अभी देखते हैं कितना पेज काटते हैं। उसका धाबा दिखाता हूँ, वो उसका धाबा बहुत नीचे है, इसमें से दिख नहीं रहा है इसलिए वो Day. फाइनली आज है 15 तारीख और कल 14 तारीख थी। तो कल बहुत सुबह तो पतंग कुछ उड़े नहीं, पर दोपहर के बाद जो भीड़ आई है बस बहुत भीड़ थी। और आज है 15 तारीख बाद, जिसको बोलते हैं हमारे सुरदीस के भाद्रा में क्या बाशी उत्तरायण। और आज ज़्यादा कुछ सुबह तो खास दिख नहीं रहा है, पर अभी रात दोपहर के बाद देखते हैं। अभी तो बज गए 12:30 और खाना वाना खाने आ गए हैं हम घर पे, तभी दोपहर के बाद देखते हैं कितना पतंग, कितना आकाश भरा होगा, वो पता चलेगा दोपहर के बाद। पहले तो क्या होता था, पहले है ना एकदम मैं उठ जाता था, 5 बजे उठ जाता था, 6 नहाता नहीं था, 5 बजे उठ जाता था, फिर ऊपर जाता था, फिर माहौल देखता था कितना पतंग चग रहा है। पहले तो बहुत पतंग, अभी पैंडेमिक के कारण ज़्यादा कोई चगाता नहीं है पतंग, तो पहले तो बहुत चगाता था मैं पतंग। और 8 बजे फिर नहाने का, फिर चढ़ जाने का सुबह ढाबे पे, फिर पतंगे ओनली चगाने का और पकड़ने का, चगाने का और पकड़ने का। अभी दोपहर को ऐसा मन भी नहीं होता है खाने का कि भाई खाने आओ, भूख ही नहीं लगती है। और अपना हमारे घर में वो बनाते हैं मुरमुरे के लड्डू और तिल के लड्डू, वो खाते खाते ही शाम हो जाता है एकदम। फिर शाम को वो वाला व्यू दिखाते हैं, वो अपना वो फान आते ना जो दिए वाले फुग्गे उड़ते हैं, वो उससे पूरा आकाश भरा हुआ रहता है। और शाम को जैसे हमारे गुजरात के सूरत में बोलते हैं कि सुबह उत्तरायण, शाम को गरबा और रात को दिवाली। सुबह उत्तरायण, शाम को गरबा और रात को दिवाली, पूरे